हम ये जहाज पे आए हैं आजाद और नानो यू जहाज से हूँ से ये तमने आग हमें तमने बताड़ी कि इसमें क्या हूँ से हूँ नहीं ये बधु तमने आमा बताड़ी तमने। ठीक है, सो गाइस ये बोल रहे हैं कि अभी हम जहाज के ऊपर आ गए हैं, ये बेसिकली अभी गुजराती में बोले, और इस जहाज में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये छोटा जहाज है, ऑफशोर सप्लाई वेसल है, टग है, तो इसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती है। तो हम फिर भी चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ऑफशोर सप्लाई वेसल कैसा दिखता है आज की इस वीडियो हम देखते हैं गाइस। ये इसमें ऊपर हेलीपैड है और ये इसका साइड व्यू है। अभी हम चलते हैं मुन्ना भाई के साथ जहाज के ऊपर, बाकी ऊपर देखते हैं कि कैसा है इसका अंदर एकोमोडेशन एंड ऑल। तो गाइस अभी आपको मुन्ना भाई ऊपर मेन एंट्री में से कैसे जाते हैं वेसल के अंदर, कितना डिफिकल्ट रहता है सर्वाइव करना, सो अभी आपको दिखाएंगे। चलो मुन्ना भाई ऊपर से नीचे। ये देखो छोटी छोटी इसमें मेन एंट्रीज रहती हैं जिसमें से काफ़ी तकलीफ़ों से ऊपर जाना पड़ता है। सो गाइस ये बोसन स्टोर की एंट्री है, ये रास्ता रहता है जिससे बोसन स्टोर के अंदर जाते हैं। इमरजेंसी होगा, जहाज टूटने लायक हो या कोई आग लगे, इससे नीचे उतर कर सब सुरक्षित उतर सकते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, कितने लोग बैठते हैं इसमें एक बार में? इसमें एक में 10 या 15 लोग बैठते हैं। ठीक है, सारा देखो जितना मेंबर होते हैं वो सब इसी में उतरते हैं। ठीक, तो आप कहाँ लेके चल रहे हो मैं जहाज में? बस अभी इमरजेंसी जो घोड़ी है ओके उसके पास आपको लेके जा रहा हूँ। चलो ठीक है, अब चलते हैं जो यहाँ पर इमरजेंसी एस्केप बोट है, इसको यहाँ की लोकल भाषा में हुडी बोलते हैं। तो मुन्ना भाई आ गए हैं दिखाने हमें। ये है हुडी, अगर इससे भी इमरजेंसी होता है तो ये लोग भी इसमें से उतर के निकल जाते हैं। ये है हुडी, ये इमरजेंसी रेस्क्यू बोट है जिसका साइज छोटा है बट इसमें 10 से 15 आदमी इजीली बैठ के रेस्क्यू कर सकते हैं। ये जहाज की चिमनी है जो हम उसको बोलते हैं कि ये सारा धुआं सभी इंजन गलेगा और सबका धुआं ला ये से निकलता है, ये है इसकी चिमनी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो गाइस अभी हम आ चुके हैं नेविगेशन डेक पे और ये मुन्ना भाई ने एंट्री खोल दी नेविगेशन डेक की। ये है गाइस नेविगेशन डेक, नेविगेशन रूम या ब्रिज रूम आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पर मास्टर चेयर है, यहाँ पर सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं। ये यहाँ से सामने का फ्रंट व्यू रहा हमारा। मुन्ना भाई आप दिखाओ यहाँ पर क्या क्या है। ये पूरा जहाज यहाँ से चल रहा है, जो का कैप्टन होता है यहाँ से चला रहा था। अच्छा, ये पूरा जहाज का नजारा यहाँ से, पूरे जहाज का जो जो भी चीज होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, उसका ब्रिज रूम है। ठीक है, कैप्टन का ये बेसिकली ब्रिज रूम है और नेविगेशन डेक भी इसको बोलते हैं, क्योंकि मुन्ना भाई जब ये जहाज आया था तो मुन्ना भाई जहाज में बैठ के आए थे तो उनको बहुत सी चीज़ें पता है। जस्ट मुन्ना भाई मुझसे बोल रहे थे कि आज मैं बताऊंगा जहाज के बारे में। सो बेसिक ये सब कुछ यहाँ पर मशीनरीज लगी हुई है, ये मशीनरी इसमें से काफ़ी निकाल भी दी है क्योंकि अभी ये जहाज जो है कटने के लिए आ चुका है। वो सभी यहाँ से होता है, पूरा पावर का सप्लाई पूरे जहाज में, जो ये सब है उसकी पैनल है पूरा का जहाज का जो पावर की सप्लाई होती है वो वहाँ से होता है। अगर उसका टेरिंग है वहाँ से वो लोग चलाते हैं। ठीक और है, यहाँ का पूरा काम है वो सब पावर का ही, जो मेन पावर मिलता है वो यहाँ से जहाज का मिलता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ से कमांड दी जाती है पावर से रिलेटेड या कोई भी चीज है तो मुन्ना भाई बोल रहे हैं कि ये सब यहाँ से दिया जाता है, इनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है जहाज की। नेविगेशन मुन्ना भाई बताएंगे कि हमें आप अगला कहां पे लेके जा रहे हो जहाज में। अभी हेलीपैड ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है,
गाइस अभी हम एकोमोडेशन वाले एरिया में एंटर कर चुके हैं। ये सारे रूम्स हैं क्रू के। ये कैप्टन का रूम, ये है कैप्टन का रूम। थोड़ा अस्त व्यस्त है बट ये छोटा वैसल है, उसके अकॉर्डिंग कैप्टन का रूम ठीक ठाक ही है। ये है अलमारी, ये इधर टॉयलेट वगैरह जो सब। ये रहा कैप्टन का रूम। अब अगला मुन्ना भाई, अभी कुछ ऐसा इसमें है नहीं खास रूम पे, क्योंकि इसमें से सामान वगैरह सब कुछ निकाल दिया है ज़्यादातर। अब चलते हैं बाहर दूसरे पे। और ये है चीफ इंजीनियर का रूम। मामला तो पूरा अस्त व्यस्त है। मुन्ना भाई क्या लग रहा रूम को देख के? थोड़ा घना कोई आया था ना सामान लेने के लिए। अच्छा। इसलिए थोड़ा वेरन जरूर हो गया है। कुछ चीज इधर इधर असिप में जितलो सामान हतो ने गुजराती में बोलूं छु। हां गुजराती सामान हतो એટલો બધો જે ઇમ્પોર્ટેડ સામાન હતો બધો નીચે ઉતરી લીધો છે। બાકી કોઈ બતાડ્યા જેવી આ વિડિયોમાં નહોતું, પણ બીજું જહાજ કે ઓલું હશે તો અમને આગલા વિડિયોમાં તમને બતાડશું કે આ જહાજમાં એટલી એટલી વસ્તુ આવે, હું આવે આ તે છે એ બધું આ જહાજમાંથી ઇમ્પોર્ટેડ હતું બધું ઉતરી લીધું છે। तो गाइस मुन्ना भाई बोल रहे हैं कि अभी इसका जो एकोमोडेशन वाला एरिया है इसमें उतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि वैसल भी बहुत ज़्यादा छोटा था। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफशोर सप्लाई वैसल था, जो बड़े वैसल्स रहते हैं उसमें लॉजिस्टिक सप्लाई करने का काम करता था। अभी कैप्टन का रूम और एक रूम हमने और देखा था, क्या था, चीफ इंजीनियर का रूम देखा था, तो उसमें कुछ ऐसा खास दिखा नहीं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या है, इंजन रूम पर जा कर के देखते हैं। अभी वैसल पर लाइट भी नहीं है बट फिर भी ट्राई करते हैं कि देखते हैं कैसा है। देखते हैं अब आ गए हम इंजन गाले में। थोड़ा नीचे धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, अब अंधेरा है काफ़ी। सो गाइस ये है इसका इंजन रूम। मेन इंजन है इसका। थोड़ा आगे को लाइट लेके चलिए आप। ये बाकी मशीनरी वगैरह, ये जनरेटर है, ये इसका मेन जनरेटर है वैसल का। काफी नई कंडीशन है जनरेटर की भी। आगे उधर चलिए पैनल के साइड। ये दूसरा इंजन है, दो इंजन है इसमें। ठीक है, ये इसका दूसरा इंजन है। सेम, इधर लाइट दिखाओ पीछे, नीचे नीचे। सो ये इंजन का सामने, ये डायरेक्ट ऊपर फनल पे कनेक्ट होता है चिमनी में। काफी अंधेरा है गाइस यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छे से वीडियो नहीं आ पा रहा है इन्हों। और गाइस ये इसका फिल्टर रूम है, जहाँ पर जो वाटर रहता है, पीने का जो पानी रहता है, उसको इस मशीन से पूरा फिल्टर किया जाता है। वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ पा रहा है, लाइट थोड़ा नहीं है सही से, क्योंकि बंद वैसल है ना, डेड वैसल है। डेड नहीं है बट अभी इसमें, अभी कटने के लिए आ गया है तो चीज़ें नहीं रहती हैं पहले के अकॉर्डिंग। इसके जितनी भी मेन सप्लाई वगैरह है वो सब कुछ इसमें से काट दी जाती है। ये ऊपर पूरी पाइपलाइंस, ये इसका मेन फिल्टर है। असिप में जितलो सामान हतो ने
ગુજરાતી વસ્તુ આવે શું આવે આ તે છે એ બધું આ જહાજ માંથી ઇમ્પોર્ટેડ બધું ઉતારી લીધું છે.